10 बार पढ़ चुके हो चिट्ठी, बार बार क्या देखे जा रहे हो? तो पापा हमेशा कहते ना कि प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छिपा रहता है, इसलिए अलग अलग एंगल से नाप तोल कर देख रहा हूँ कि क्या पता इसी में से कोई सॉल्यूशन निकला है। तुम सुनो, आ जाओ जल्दी। क्या हुआ? कुछ दिख रहा है तुम्हें ऐसे? हाँ, कुछ लिखा तो है। बोलो। समझ में कैसे आएगा? एक काम करते हैं। हाँ? पापा के पास वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसे चेक करते हैं। अगर ये नाम हुआ ना तो कुछ सुराग मिलेगा। चलो चलो। राजू, इतनी रात गए, क्या सब ठीक तो है ना? पापा, वो आपके पास वो बड़ा वाला मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, वो चाहिए था। अरे बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ? मैग्नीफाइंग ग्लास? हाँ, ये। हाँ, ये। लगे लगे लगे। हाँ, वो क्या है, वो इसके ऊपर अक्षर जो है ना, वो साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। राजू, हमारे जमाने में ना पीतल के बर्तनों पे डब्बे पे ना नाम लिखा करते थे, और ये ध्यान ही में नहीं आया मेरे। एग्जैक्टली। माजती, माजती क्या होता है? माजती? माजती नहीं होगा राजू, मालती होगा। राजू मालती होगा? हाँ मालती। हाँ मालत, हाँ हाँ मालती, मालती क्या डे डेविड, डेविड मालती, डेविड डेविड नहीं, देवी मालती देवी होगा, है ना? अच्छा, इसका मतलब है इस जवान की माँ का नाम मालती देवी है। नीचे भी कुछ लिखा है, देख दो। नागपुर? हाँ हाँ नागपुर, मालती देवी नागपुर। हाँ, अरे एक मिनट, अब इतने बड़े शहर में मालती देवी को ढूंढने गए कैसे? राजू। जी पापा। एक काम करते हैं, वो अपने सिंह साहब थे ना, सिंह साहब हाँ, उनको ये इन्फॉर्मेशन फोन करके बता देते हैं, ताकि मालती देवी के नाम से उस सोल्जर के आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस के बारे में पता लग जाए। हाँ। अभी फोन करता हूँ मैं। इतनी रात को? 1 बज रहे हैं राज। उन्होंने कहा है मुझे कि डे नाइट कभी भी मुझे कॉल करो। सिंह अंकल, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। यस मिस्टर राजेश, क्या कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी? जी, पीतल के डिब्बे पर ना मालती देवी और नागपुर ऐसा लिखा है। अच्छा, यानी कि वो जवान नागपुर का था और उसकी माँ का नाम मालती देवी है। जी जी। ओके, मैं हमारे नागपुर डिवीजन के रिटायर्ड ब्रिगेडियर से बात करता हूँ, उन्हें सारी डिटेल बताकर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। साई बाबा, साई बाबा। बंधु, अब किसने? अरे जल्दी खींचो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ग्रेट। क्या? ग्रेट। कल के कल मालती देवी का पता मिल जाएगा और उनके बेटे का खत मैं पर्सनली डिलीवर करूंगा। साई बाबा, क्या बात है राजेश सर, आपने तो कमाल ही कर दिया है। वाह वाह वाह।
इससे इतना तो पता चला कि सोल्जर की माँ का नाम मालती देवी है और ये पार्सल नागपुर से है। मिस्टर वागले, मुझे पक्का यकीन था कि आप इस पहेली को जरूर सुलझा लेंगे। इस अचीवमेंट पे तो पार्टी होनी चाहिए। दासानी, अभी पार्टी के लिए वक्त है, अभी तो सिर्फ माँ और शहर का नाम पता चला है। जैसे पूरा एड्रेस पता चलेगा फिर पार्टी। वो प्रताप सिंह जी ना, एक्स आर्मी मैन, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जैसे उन्हें कुछ पता चलेगा वो हमें बताएंगे। तो जो पार्सल 23 साल पहले डिलीवर नहीं हुआ था, पीटूपी ग्लोकल, वो जिम्मेदारी अब पूरा करेंगे। यस सर। दादी, दादी, वो डिब्बा कहाँ है? उसका फोटो निकाल के ना इंटरनेट से मालती देवी नागपुर का पता लगा सकते हैं। अच्छा, नागपुर में हजारों मालती देवी होंगी, कुछ बोल रही है तू? एग्रीमेंट तो सही लग रहा है। आशा, बस्ती वालों को उनकी खोली की जगह 300 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल रहा है। बिजली, पानी, इंडिपेंडेंट टॉयलेट बाथरूम, बच्चों के लिए गार्डन है, प्ले एरिया है। हा? बढ़िया डील है, गो अहेड, साइन करो। राजेश भाव बोल रहे कि डील अच्छी है। अरे हम बस्ती वालों को इससे अच्छा और क्या चाहिए? और क्या? साहब, हम बस्ती वालों की तरफ से आपको बीप और बड़ा वाला थैंक यू। ओके, बाय बाय आशा, बाय। सुना आप लोगों ने, हाँ, साहब ने बोला है कि ये फॉर एग्रीमेंट एकदम सही है। अभी राजेश सर ने बोला है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बंद करके हम इस पे साइन कर सकते हैं। हाँ। तो रेडी, चलो। राजेश वागले जी पे पूरा भरोसा है। चलो चलो, सब लोग साइन कर लेते हैं। हाँ। आइए आइए, साइन करिए। बेटा इधर आ जाओ। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। राजेश सर, वो बिल्डर के आदमी हमको हमारी बस्ती छोड़कर नायगांव ट्रांजिट कैंप जाने के लिए बोल रहे हैं, हम क्या करें सर? नायगांव? नायगांव कहाँ से आ गया? बस्ती की जगह जो बिल्डिंग बनेगी उसी में मिलेगा ना फ्लैट? अरे नहीं 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 राजेश भाऊ, हम बस्ती वालों ने जो एमओयू साइन किया है ना, उसके हिसाब से हम सबको अपनी खोली खाली करके हमेशा के लिए नायगांव जाना पड़ेगा। ये शर्त भी उसमें शामिल है, हमने देखा नहीं क्या? नहीं नहीं, अरे ऐसी कोई शर्त नहीं थी एमओयू में, पढ़ा है ना मैंने एमओयू में, बैग भी है, लिखा रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं सम। राजीव भाऊ जल्दी देखो ना प्लीज। देखो ये पन्ना तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, इस पर बिल्डर ने चतुराई से क्लॉज डाला है कि बस्ती वालों को हमेशा के लिए नायगांव के ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट होना पड़ेगा, इस पर तो ध्यान ही नहीं गया। करो राजेश बाबू, आपकी बात मानकर हमने पेपर पर साइन कर दे, लेकिन आप बताओ हम हमारी बस्ती छोड़कर इतने दूर कैसे जाएंगे साहब? हमेशा के लिए हम बर्बाद हो गए राजेश बाबू। बोला बोला राजेश बाबू। आशा, ये बड़ी गलती कैसे हो गई राज? लोग तो बहुत नाराज हैं, क्या करेंगे आप? मैं जानता हूं, क्योंकि अभी अभी बस्ती वालों का मेरे पास फोन आया था। पर सबसे पहले परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा का सादर प्रणाम। वन्ना भाभी, राजेश भाई की एक लापरवाही के कारण आशा की पूरी बस्ती टेंशन में आ गई है।
ये देखो ये आशा की बस्ती का केल हो जाए। हाँ, आशा फोन पे बहुत रो रही थी और कह रही थी कि बिल्डर के लोग आकर उसका घर खाली करवा रहे। ये आशा की बस्ती का ओ लॉयर तू ही है ना? यस। ये कालाकांडी किया रे तूने? ए पंटर, शट योर मसाला माउथ, ओके? कालाकांडी मैंने नहीं बल्कि राजेश भाई ने की है। वो राजेश भाई क्या किया आपने? अरे ये क्या बोलेंगे पंटर, सारा किया कराया इन्हीं का है। मैं दो दिन के लिए अहमदाबाद क्या किया, मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर बिल्डर के वकील ने बस्ती वालों से अर्जेंट एमओयू साइन करने के लिए बोला और उस ए फॉर आशा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो सलाह लेने के लिए राजेश भाई के पास आई। और राजेश भाई इनको कानून का ABCD भी नहीं पता, पर अपनी वकालत दिखाने के चक्कर में इन्होंने बस्ती वालों को एमओयू साइन करने के लिए बोल दिया और अब सारे बस्ती वाले बेघर होके बैठे हैं। राजेश भाई ये कर दिया आपने? देखो भाई अच्छा भाई वो एमओयू मैंने ठीक से पढ़ा नहीं और बस्ती वालों को साइन करने के लिए कह दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी गलती की सजा अब बस्ती वाले भुगतेंगे राजेश भाई। अभी हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते ना। ए, सुन, तुझे कुछ तिकड़म चलाना पड़ेगा। देखो भाई प्लीज प्लीज, आप तो इतने अच्छे वकील हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। प्लीज आशा की बस्ती को बचा लीजिए प्लीज। देखो भाई परम पूजनीय परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी का हुक्म सर आंखों पर। वन्ना भाभी अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इसका कोई कानूनी तोड़ ढूंढता हूँ। अब देखना ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षे जोशीपुरा कैसे अपनी कानून की चक्री घुमाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।